एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर मेरा क्लास चल रहा है। रैम जो हमारी पैनल में होती है, रैम क्या होती है, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्राइड टीवी हो, कोई भी टीवी है, रैम क्या है, रैम से क्या क्या फॉल्ट इमेज पे आ सकती है, और हमारे जो पैनल में जो रैम लगी है कितनी प्रकार की रैम लगती है और उससे क्या क्या फॉल्ट आ सकती है, आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जो हमारी पैनल होती है, पैनल में रैम कितनी प्रकार की होती है, रैम से क्या क्या फॉल्ट आ सकती है और उसको कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, आज का मेरा वीडियो इसी पर रहेगा। जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरा क्लास शुरू से है, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू से सिखाएंगे हम। नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, हम शुरू से सिखाएंगे। हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, जो नया सीखने वाले लोग हैं जुड़े रहिए और शुरू से हर एक चीज, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, पैनल रिपेयर, हर चीज थ्योरी भी बताएंगे और प्रैक्टिकल भी बताएंगे। हमसे सिर्फ जुड़े रहिए, आपको कोई भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी टीवी अगर आप लोगों को रिपेयर करना है, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, अगर आप लोगों को रिपेयर करना है, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा वीडियो देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। मेरा हर चीज जो वीडियो बनेगा, हर चीज एक शुरू से बनेगा। इतनी समय जो मेरा क्लास चल रहा है, पैनल का चल रहा है, पैनल के बाद मिनिमम हर एक वीडियो बनेगी और शुरू से। आप लोग चिंता मत करिए, सिर्फ वीडियो देखते रहिए। इस प्रकार से मैं वीडियो बनाकर देता जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा। रैम, चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर हमारी पैनल में रैम लगी होती है। आखिर रैम का काम क्या होता है, आखिर रैम क्या होती है, इसका पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो हमारी रैम होती है, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, कोई भी टीवी है उसमें अगर रैम है तो रैम का क्या काम है और रैम से क्या क्या फॉल्ट आ सकती है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो पैनल में रैम किस लिए उपयोग किया जाता है, आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो हमारी रैम होती है, रैम किस लिए पैनल में लगाई जाती है, जो रैम होती है हमारी रैम स्पीड होती है। पैनल में जिस हिसाब से रिजोल्यूशन होगी, पिक्सल होगी, उस हिसाब से हमारी रैम की स्पीड होगी। अगर हमारी ज्यादा रिजोल्यूशन और ज्यादा पिक्सल की अगर हमारी पैनल है, यानी जितनी ज्यादा हमारी पिक्सल होगी, जितनी ज्यादा हमारी रिजोल्यूशन होगी, उतनी ज्यादा हमारी हाई रैम लिया जाएगा, क्योंकि रैम पर ही निर्भर करेगा पैनल की स्पीड। यानी पैनल का अगर स्पीड घटाना है, बढ़ाना है, तो हमारी रैम पर ही निर्धारित करेगा कि हमारी जो रैम होगी, रैम किस प्रकार से काम करेगी। जो रैम होती है, रैम कभी भी लिया जाता है जिस हिसाब से, वह लेने का मकसद सिर्फ है हमारी पिक्सल और रिजोल्यूशन के हिसाब से। जितनी ज्यादा हमारी पिक्सल होगी, जितनी ज्यादा हमारी रिजोल्यूशन होगी, उतनी हाई हमारी रैम लिया जाएगा, उस हिसाब से हमारी पैनल काम कराई जाएगी। रैम में प्रॉब्लम आती है तो हमारी क्या क्या फॉल्ट आ सकती है, देखिए जो रैम होती है, रैम में अगर प्रॉब्लम आता है तो हमारी क्या क्या फॉल्ट देखा जा सकता है। ओके पिक्चर बनकर हमारी वर्टिकली पिक्चर है, हमारी ओके पिक्चर बनेगी। ओके पिक्चर बनने के बाद हमारी अगर किसी भी प्रकार की वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन आ जाती है और उसमें आवाज आ रहा है, ओके पिक्चर बन रहा था, ओके पिक्चर बनने के बाद हमारी वर्टिकली खड़ी लाइन आ गया और आवाज आ रहा है, तो इस केस में हमारी रैम फॉल्ट हो सकता है, उसको ट्रेस करके देखना होगा। और देखिए दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, ओके पिक्चर पूरी डिस्प्ले डैश पिक्चर, यानी जो हमारी पिक्चर होगी, पिक्चर पूरी बनेगी और ओके पिक्चर भी बनेगी, आवाज सुनाई देगा, लेकिन पिक्चर में हमारी पूरी स्क्रीन जो पूरी डिस्प्ले होगी डैश डैश चिन्ह होगी। यानी इस प्रकार से अगर डैश डैश चिन्ह है तो हमारी रैम फॉल्ट हो सकती है, आप लोगों को देखना होगा। ये जो फॉल्ट है हमारी रैम की भी हो सकती है, टिकोन आईसी की भी हो सकती है, आपको यह चेक करना होगा। चेक करने के बाद ही आपको पता लगाना होगा, क्योंकि ये जो फॉल्ट है, इसी फॉल्ट में हमारी पैनल की भी फॉल्ट होती है और मदरबोर्ड की भी फॉल्ट होती है। अगर हमारी ओके पिक्चर बनकर वर्टिकली पिक्चर है, यानी ओके पिक्चर अगर बनकर वर्टिकली खड़ी लाइन आता है, अगर आवाज आता है तो हमारी पैनल फॉल्ट है, अगर हमारी आवाज नहीं आता है तो हमारी मदरबोर्ड फॉल्ट होगी। मदरबोर्ड में हमारी रैम फॉल्ट हो सकता है, सीपीयू फॉल्ट हो सकता है, क्रिस्टल फॉल्ट हो सकता है, आपको मिनिमम ध्यान से देखना होगा। और देखिए जो दूसरा है, ओके पिक्चर बनकर हमारी पूरी डिस्प्ले डेस्टिन, यानी हमारी पिक्चर ओके बन रही है, आवाज ओके आ रही है और डेस्टिन आती है, तो यह पैनल फॉल्ट होगा, रैम फॉल्ट हो सकता है। अगर हमारी आवाज रुक रुक कर आ रही है,
डैश चिन्ह में अगर हमारी आवाज जो है रुक रुक कर आ रही है, पूरी पिक्चर ओके है, अगर आवाज रुक रुक कर आ रही है तो हमारी मदरबोर्ड की फाल्ट होगी। मदरबोर्ड में हमारी रैम भी फाल्ट हो सकती है, सीपीयू भी फाल्ट हो सकती है और क्रिस्टल भी फाल्ट हो सकती है। यह सब हमको चेक करना होगा, यानी चेक करने के लिए बात आप लोगों को ध्यान रखना एकदम जरूरी है। उसी हिसाब से आप लोग ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो पैनल होती है, पैनल की फाल्ट रिपेयर करने के लिए बहुत सावधानी से हर चीज आपको नॉलेज होना चाहिए। हर चीज नॉलेज है मिनिमम, उस हिसाब से आप देख कर आराम से ट्रेस करके रिपेयर कर सकते हैं। और देखिए जो हमारी टिकोन होती है, टिकोन में रैम देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो रैम हमारी यूज की जाती है पैनल में, DDR1 रैम, DDR2 रैम, DDR3 रैम, DDR4 रैम, ये जो रैम है हमारी, जो भी कंपनी होती है, कंपनी अपने अनुसार जिस हिसाब से थ्योरी बनाई होती है, जिस हिसाब से सर्किट को चलना चाहिए, जिस हिसाब से स्पीड चाहिए, उस हिसाब से स्पीड वाला हमारी रैम लिया जाएगा। यानी जिस हिसाब से टिकोन आईसी होगी, जिस हिसाब से पैनल में हमारी रिजोल्यूशन और पिक्चर होगी, उस हिसाब से हमारी स्पीड लिया जाएगा, यानी टिकोन की स्पीड लिया जाएगा और टिकोन के स्पीड पर ही हमारी रैम निर्भर करेगी और रैम पर ही निर्भर करेगी टिकोन आईसी हमारी कैसे चलेगी, यानी उसी हिसाब से ये रैम लिया जाएगा। देखिए DDR1 रैम है 2.5 वोल्ट होगा, अगर DDR2 रैम है तो 1.8 वोल्ट होगा, अगर DDR3 रैम है तो 1.5 वोल्ट होगा, अगर DDR4 रैम है तो 1.2 वोल्ट होगा। यानी रैम पर ही हमारी निर्भर करता है कि हमारी टिकोन आईसी किस हिसाब से काम करेगी। जिस हिसाब से अगर काम कराना है पैनल को, तो पैनल को मिनिमम काम कराने के लिए यह स्पीड होना चाहिए, उसी हिसाब से हमारी पैनल काम करेगी। और देखिए जो हमारी टिकोन आईसी होती है, टिकोन आईसी के अंदर ही हमारी रैम इनबिल्ट होती है, यानी जो टिकोन आईसी होती है, टिकोन आईसी के अंदर ही हमारी रैम इनबिल्ट होती है। और जो रैम की वोल्टेज है मिनिमम, अगर जिस हिसाब से रैम होगी, अगर DDR1 रैम हमारी है उसको 2.5 वोल्ट चाहिए, अगर DDR2 रैम है तो 1.8 वोल्ट चाहिए, अगर DDR3 रैम है तो 1.5 वोल्ट चाहिए, अगर DDR4 रैम है तो 1.2 वोल्ट चाहिए। जिस हिसाब से ये रैम होगी उस हिसाब से ये हमारी वोल्टेज होगी, उस हिसाब से ये वोल्टेज दिया जाएगा। अगर मान लीजिए अगर रैम हमारी मिस होती है, रैम का सप्लाई नहीं जाती है, तो हमारी जो पिक्चर दिखेगी नो डिस्प्ले दिखेगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो रैम है इस टिकोन आईसी का दिमाग है। आप कह सकते हैं जो टिकोन आईसी है, टिकोन आईसी का दिमाग जो है रैम में है, यानी रैम पर स्पीड दे रही है। अगर रैम की वोल्टेज गायब है, अगर रैम गायब है तो जो हमारी पिक्चर स्क्रीन पर दिखेगी नो डिस्प्ले होगा, क्योंकि पूरा जो टिकोन का दिमाग है रैम पर ही निर्भर करेगा। आप मान सकते हैं रैम का दिमाग टिकोन है और टिकोन का दिमाग रैम है, यानी ये दोनों जब तक एक साथ नहीं रहेंगे तब तक नहीं काम करेंगे। अगर मान लीजिए रैम हमारी काम कर रही है, अगर टिकोन आईसी में प्रॉब्लम है तभी भी हमारी कोई काम नहीं होगी, अगर टिकोन आईसी सही है, अगर रैम में प्रॉब्लम है तभी भी हमारी कोई काम नहीं होगी। यानी ये दोनों एक साथ मिनिमम सब कुछ ओके होना चाहिए, तब जाकर हमारी मिनिमम काम करेगी। और देखिए जो टिकोन में हमारी रैम है और टिकोन में इनबिल्ट है, यानी टिकोन में ही इनबिल्ट है रैम, टिकोन आईसी होती है हमारी ईप्रोम आईसी के इशारा पर काम करती है। पैनल होती है, पैनल की पूरी हमारी रिजोल्यूशन पिक्सल और रिजोल्यूशन के हिसाब से हमारी पूरी जो सॉफ्टवेयर होती है ईप्रोम आईसी में होती है, और ईप्रोम आईसी की जो सॉफ्टवेयर होती है उसी हिसाब से ये हमारी टिकोन आईसी काम करती है, और जो रैम होती है उस हिसाब से उसकी स्पीड हो जाती है। और अगर हमारी जो टिकोन आईसी है, टिकोन आईसी के इशारा पर हमारी डीसी टू डीसी आईसी, लेवल सेंटर आईसी या गामा आईसी है, इस प्रकार से टिकोन आईसी के ही द्वारा हमारी काम करती है। लेकिन जो टिकोन आईसी होती है, टिकोन आईसी हमारी ईप्रोम आईसी के द्वारा काम करती है, उस हिसाब से उसमें सॉफ्टवेयर होगी, उस हिसाब से जो ईप्रोम आईसी होगी टिकोन आईसी को काम करने के लिए मजबूर करेगी, और जो टिकोन आईसी होगी उसकी स्पीड पर ही निर्भर करेगा, यानी रैम की स्पीड पर ही निर्भर करेगा कि टिकोन आईसी हमारी कितनी तेजी से काम करेगी। यानी टिकोन आईसी की जो स्पीड होगी रैम पर निर्धारित करेगी कि जो हमारी स्पीड है टिकोन आईसी की रैम पर ही निर्धारित करेगी कि यानी टिकोन आईसी की स्पीड क्या है, यानी उस हिसाब से हमारी टिकोन आईसी काम करेगी, उस हिसाब से ये जो हमारी रैम होती है रैम काम करती है। जितनी हमारी हाई पिक्सल, जितनी हमारी हाई रिजोल्यूशन है उस हिसाब से हमारी रैम लिया जाएगा। देखिए जितनी हमारी हाई रैम होगी उसकी वोल्टेज उतनी कम होगी, यानी मान लीजिए अगर हमारी DDR4 रैम है, वोल्टेज है 1.2 वोल्ट है, ये हमारी सबसे हाई रैम है, यानी 1.2 वोल्ट, यानी जितनी वोल्टेज हमारी रैम की कम होगी वो हमारी रैम उतनी हाई होगी। और देखिए इस प्रकार से ये रैम होती है हमारी DDR1 रैम, DDR2 रैम, DDR3 रैम, DDR4 रैम, यानी उसी हिसाब से ये जो रैम की वोल्टेज होगी, अगर DDR1 रैम है 2.5 वोल्ट, DDR2 रैम है तो 1.8 वोल्ट, DDR3 रैम है तो 1.5 वोल्ट, अगर DDR4 रैम है तो 1.2 वोल्ट, उसी हिसाब से हमारी रैम ले लिया जाएगा। पूरी पैनल की हमारी स्पीड जो होती है रैम ही होती है। देखिए रैम की फॉल्ट फाइंडिंग किस प्रकार से करेंगे,
अगर रैम हमारी वोल्टेज मिस होता है, फोन की जो कार्य करने की क्षमता है खत्म हो जाएगी। देखिए मिनिमम आपको अगर ट्रेस करना है, फॉल्ट फाइंडिंग करना है, रैम सही है कि खराब है, जो उसकी सप्लाई है रैम की सप्लाई चेक करना होगा। अगर रैम की सप्लाई ओके है, उसके बाद भी अगर हमारी रैम काम नहीं कर रही है, तो यानी इस प्रकार से अगर पिक्चर की हमारी फॉल्ट आती है, जो ओके पिक्चर बनकर हमारी वर्टिकली पिक्चर आना, यानी ओके पिक्चर बन रही है उसके बाद हमारी वर्टिकली खड़ी लाइन आ जाती है, किसी भी प्रकार की अगर आवाज आती है तो रैम फॉल्ट होगी। ओके पिक्चर बन रही है, डेड डेस्ट पिक्चर आ रही है और हमारी आवाज ओके है, तो हमारी रैम फॉल्ट हो सकती है। रैम की वोल्टेज ओके है, उसके बाद भी अगर हमारी इस प्रकार से फॉल्ट आती है तो क्या करना होगा, जो टिकोन आईसी होगी टिकोन आईसी को सोल्ड करना होगा, यानी उसी के हिसाब से ही हमारी फॉल्ट प्रॉब्लम दूर होगी। यानी जो टिकोन आईसी होगी टिकोन आईसी को उसको निकालिए और लिक्विड पेस्ट से ही आप इसे आईसी को लगाइए, यानी मॉइस्चर नमी। ये जो प्रॉब्लम है हमारी रैम में, प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी मॉइस्चर आ जाती है, नमी आ जाती है। यानी एक बार आप टिकोन आईसी को निकालिए, फिर से सफाई करके फिर से लगाइए। अगर लगाने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आपको टिकोन आईसी बदलना होगा। यानी टिकोन आईसी जब आप लोग बदलेंगे, हमारी वोल्टेज ओके है, टिकोन आईसी निकालने के बाद लगाने के बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं जाता है तो हमको टिकोन आईसी बदलना होगा, तब जाकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए इससे पहले मेरा रैम पर वीडियो बन चुका है, यानी जो रैम होती है हमारी मदरबोर्ड में रैम कैसे काम करती है, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। तो रैम होती है, रैम हमारी कैसे काम करती है, यानी जो रैम होती है चाहे मदरबोर्ड हो चाहे पैनल हो, तो रैम काम करती है वह एक ही तरह काम करती है, जो रैम है एक ही तरह काम करती है। हर्ष पे मेरा वीडियो बन चुका है, पैनल कैसे रिपेयर करना है, मदरबोर्ड कैसे रिपेयर करना है, पावर सप्लाई रिपेयर कैसे करना है, ईएमसी क्या है, ये वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं।